हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम प्रश्नावली 14.4 से क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक सॉल्व करेंगे, और इससे पहले वाले वीडियो में हमने 1 से लेकर 10 तक सॉल्व कर लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, 11th क्वेश्चन हमें ये दिया गया है। इसमें हमारा बराबर के इधर LHS यानी कि बाएं पक्ष में y-3 का होल स्क्वायर और बराबर के इधर RHS यानी कि दाएं पक्ष में y²-9 दिया है। तो इसमें हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें त्रुटि ज्ञात करना है यानी कि गलती पता करना है, और फिर हमें उसको सही करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले जो ये हमारा LHS में है यानी कि जो बायां पक्ष है, इसको हम लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे LHS क्या है हमारा, y-3 का होल स्क्वायर। अब इसको हम सबसे पहले सॉल्व करके देखेंगे। तो देखिए ये y-3 का होल स्क्वायर है, तो इसको ध्यान से देखिए, ये हमारा a-b के होल स्क्वायर के रूप में है। देखिए a-b के होल स्क्वायर के रूप में हमारा ये है। a का मान इसमें y है और b का मान 3, ठीक है। तो ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है इसके बराबर में? ये होता है हमारा a²-2ab + b²। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करने के लिए हम इस रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले a² है, a का मान क्या है इसमें, y। तो हम a² की जगह पे क्या लिखेंगे, y²। फिर माइनस में 2ab है, तो सबसे पहले माइनस में 2 लिखेंगे। फिर ab है, तो a का मान कितना है हमारा, y है। और फिर b है, तो b का मान कितना है, ये देखिए 3 है, तो 3 लिखेंगे। फिर प्लस में b² है, तो ये प्लस, b का मान कितना है 3, तो ये 3 लिखा, और ये स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगाएंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो y का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा y² हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और 2y और 3 का गुणा करेंगे। तो सबसे पहले 2 और 3 का गुणा, 2 × 3 = 6, और ये y, तो 6y हो गया। फिर प्लस में क्या है, 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है यानी 3 का वर्ग, तो ये 9 होता है, ठीक है। तो ये आ रहा है हमारा सॉल्व करने पर। अब देखिए हमारा जो है इसका आंसर यानी कि इसको सॉल्व करने पे ये आ रहा है, लेकिन इसके बराबर में तो ये दिया गया है, तो क्या ये सही है? देखिए y² इसमें है और हमारे आंसर में भी y² है। इसके बाद माइनस में 9 है, लेकिन हमारे आंसर में प्लस का 9 है, तो ये इसमें गलत है, ठीक है। इसके अलावा -6y वाला जो पद है वो इसमें नहीं है, तो इसीलिए ये जो हमारा आंसर है ये बराबर नहीं है इसके। और ये हमारा क्या है, RHS यानी कि दायां पक्ष, तो हम लिख देंगे ये जो है बराबर नहीं है RHS के। ये हमारा निशान होता है बराबर नहीं का, ठीक है। तो ये हमने कर दिया, हमने गलती पता कर लिया कि क्या गलती है। अब हमें इसको सही करके भी लिखना है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं सही उत्तर। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा ये है y-3 का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आया है, ये आया है यानी कि y²-6y + 9, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 11वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब देखिए 12वां क्वेश्चन करते हैं। तो ये हमारा 12वां क्वेश्चन है, तो इसको भी देखिए इसी तरह से करेंगे। हमारा इसमें सबसे पहले z+5 का होल स्क्वायर है और बराबर के इधर ये है z²+25। तो इसको सबसे पहले हम लेंगे यानी कि LHS वाले को, तो ये है z+5 का होल स्क्वायर। तो इसको सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको ध्यान से देखने पर ये हमारा a+b के होल स्क्वायर के रूप में है। किस रूप में है, a+b के होल स्क्वायर के रूप में, ठीक है। तो ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है इसके बराबर में, ये होता है a²+2ab + b², ठीक है। तो अब देखिए इसको आगे सॉल्व करने के लिए हम इस रूप में लिख देंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है हमारा इस रूप में है। तो सबसे पहले a² है, a का मान हमारे क्वेश्चन में z है, तो इसीलिए हम a² की जगह पे z² लिखेंगे। प्लस में 2ab है, तो ये प्लस 2, a का मान क्या है z, और फिर b है, तो b का मान देखिए क्वेश्चन में 5 है। फिर इसके बाद प्लस b² यानी कि प्लस, b का मान 5 है, तो इसका स्क्वायर।
अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो जेड का स्क्वायर करेंगे तो जेड स्क्वायर ही आएगा, प्लस ये वाला प्लस आ गया, इनका गुणा करेंगे तो दो पंजे दस और ये जेड, तो ये हो गया दस जेड, प्लस में क्या है पांच का स्क्वायर 25। तो देखिए सॉल्व करने पर ये आ रहा है हमारा, तो क्या इसके बराबर में हमारा ये वाला है क्या, यानी कि क्या ऐसा है ये, तो देखिए जेड स्क्वायर इसमें है, इसमें भी है हमारा, और इसमें 25 भी है, इसमें भी 25 है, लेकिन ये जो 10 जेड वाला पद है वो इसमें नहीं है, तो यही इसमें गलत है, यानी कि इसमें ये वाला पद तो है ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा ये आंसर है ये बराबर नहीं है किसके, इसके, और ये क्या होता है RHS होता है, तो ये हम लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमने गलती पता कर लिया, अब हम सही आंसर लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं सही उत्तर। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, ये है जेड प्लस पांच का होल स्क्वायर, इसका आंसर ये है हमारा, यानी कि जेड स्क्वायर प्लस दस जेड प्लस 25। तो ये हो गया 12वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 13 को करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 में हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें देखिए जो हमारा बराबर के इधर, यानी कि जो ये LHS है बायां पक्ष में, इसमें दो ब्रैकेट्स में हमें दिए गए हैं, और बराबर के इधर हमारा RHS में ये दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि सबसे पहले हम जो LHS है इस LHS को लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे हम। तो देखिए LHS में क्या है हमारा, ये है 2A प्लस 3B पहले ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में है A माइनस B। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, ये हमारा जो है दो ब्रैकेट में है और दोनों ब्रैकेट में दो दो पद हैं, तो इसको कैसे करते हैं हम कि जो पहले ब्रैकेट का पहला पद होता है, यानी कि इसमें 2A है, तो इसका सबसे पहले दूसरे ब्रैकेट के दोनों पदों से गुणा होगा, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे a माइनस बी। फिर जो पहले ब्रैकेट का ये दूसरा पद है यानी कि 3b, तो इसका भी गुणा होगा इस दूसरे ब्रैकेट के दोनों पद से, यानी a माइनस बी से। तो अब देखिए गुणा कर लेते हैं, 2a का a में गुणा करेंगे तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये माइनस है तो माइनस, और 2a का b में गुणा करेंगे तो 2ab हो जाएगा। फिर अब ये देखिए प्लस है तो प्लस उतारेंगे, और 3b का a से गुणा करेंगे तो 3ab हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस माइनस, अब 3b का b में गुणा करेंगे तो 3b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या ये आगे भी सॉल्व हो सकता है, तो हाँ ये आगे भी हो सकता है, क्योंकि ये वाला पद और ये वाला पद दोनों एक समान है, क्योंकि इसमें भी ab है इसमें भी ab है, तो इसको तो एज इट इज उतारेंगे हम 2a स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस का 2ab है, ये प्लस का 3ab है, तो माइनस प्लस माइनस, इसीलिए 3ab में से 2ab को घटाएंगे तो क्या बचेगा 1ab, और 1ab को हम सिर्फ ab ही लिखेंगे, क्योंकि इसको ab का मतलब 1ab ही माना जाता है, और इसके आगे निशान कौन सा लगेगा, तो दोनों में बड़ा ये वाला है, इसके आगे प्लस है तो प्लस लगेगा, और ये इसको उतार देंगे एज इट इज माइनस 3b स्क्वायर। तो ये आ रहा है हमारा आंसर इसको सॉल्व करने पे। ठीक है, तो हम देखेंगे अब कि क्या ऐसा हमारा इसके बराबर में है, तो इसमें 2a स्क्वायर है, इसमें भी हमारा आंसर में 2a स्क्वायर है, इसमें माइनस 3b स्क्वायर है और हमारे आंसर में भी है, लेकिन ये ab वाला पद इसमें नहीं है, तो इसी की गलती है इसमें। ठीक है, तो अब हम लिख देंगे कि ये जो आंसर है ये हमारा बराबर नहीं है इसके, यानी कि RHS के। तो ये हमें गलती पता चल गया, अब हम यहाँ पर जो सही आंसर है वो हम लिखेंगे। तो क्वेश्चन हमारा ये है, यानी कि 2a प्लस 3b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो इसका आंसर हमारा ये है 2a स्क्वायर प्लस ab माइनस 3b स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 13 का। अब हम इस क्वेश्चन नंबर 14 को करते हैं, तो इसमें भी देखिए इसी की तरह है, इसमें भी ये जो बराबर के इधर है हमारा LHS में यानी कि बाएं पक्ष में, तो इसमें भी दो ब्रैकेट में दिए गए हैं, तो इसी को सबसे पहले हम लेंगे और सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा है पहले ब्रैकेट में a प्लस 4 और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस 2। तो कैसे करेंगे कि जो पहले ब्रैकेट का ये पहला पद है इसका दूसरे ब्रैकेट के दोनों पदों से गुणा होगा,
फिर पहले ब्रैकेट का ये दूसरे पद का दूसरे ब्रैकेट के दोनों पदों से गुणा होगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे हम a ये वाला और गुणा होगा इन दोनों से यानी a प्लस दो से, फिर ये दूसरा यानी कि प्लस चार का भी गुणा होगा इन दोनों से तो इसको भी लिखेंगे। अब a का a में गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर हो गया, a का दो में गुणा करेंगे तो दो ए हो गया, चार का a में गुणा करेंगे तो चार ए और चार का दो में गुणा करेंगे तो आठ। ठीक है, अब देखिए इन सब में कुछ एक जैसा है क्या, एक समान पद? तो ये और ये दोनों एक समान पद है क्योंकि इसमें भी a है और इसमें भी a है, तो इसको आगे भी सॉल्व करेंगे। ये तो एज इट इज उतरेगा ए स्क्वायर, ये दो ए और चार ए दोनों प्लस में है इसीलिए दोनों जुड़ के छः ए हो जाएगा और इस आठ को भी उतार देंगे। तो ये आ रहा है हमारा आंसर। अब हम चेक करेंगे कि क्या हमारा जो ये आंसर है ये बराबर के इधर जो है आरएचएस में इसके बराबर है कि नहीं। तो इसमें ए स्क्वायर है, हमारे आंसर में भी ए स्क्वायर है, इसमें आठ है, हमारे आंसर में भी आठ है, हमारे आंसर में छः ए भी है लेकिन इसमें तो है ही नहीं, तो इसी की गलती है इसमें। ठीक है, तो हमें गलती पता चल गया। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा आंसर है ये बराबर नहीं है इस आरएचएस के, तो ये हमें गलती पता चल गया। अब हम क्या करेंगे कि सही आंसर लिखेंगे। तो क्वेश्चन हमारा है ये वाला a प्लस चार और a प्लस दो, तो इसका आंसर ये आ रहा है हमारा a स्क्वायर प्लस छः ए प्लस आठ। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन कंप्लीट। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। अगर आपने इसको नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 में हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 13 और 14 को किया था। तो सबसे पहले हम LHS को लेंगे। LHS में हमारा क्या है, a माइनस चार ये वाला और a माइनस दो। अब सबसे पहले इस a का इन दोनों से गुणा होगा, फिर माइनस चार का भी इन दोनों से गुणा होगा। तो लिख लेते हैं a का इन दोनों से गुणा, फिर माइनस चार का इन दोनों से गुणा। तो a का a से गुणा करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा और a का माइनस दो से गुणा करेंगे तो माइनस दो a हो जाएगा। इसी तरह से माइनस चार का a से गुणा करेंगे तो माइनस चार a, और माइनस चार का माइनस दो से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया और चार दूना आठ। ठीक है, अब देखिए ये वाला और ये वाला दोनों एक समान पद हैं तो इसीलिए इसको आगे भी सॉल्व करेंगे। इसको तो उतारेंगे a स्क्वायर एज इट इज, माइनस दो ए माइनस चार ए, माइनस माइनस प्लस होता है इसीलिए दो ए और चार ए जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा छः ए, दोनों में बड़ा ये है इसके आगे माइनस है तो माइनस लगाएंगे और ये प्लस आठ उतार देंगे। तो ये आ रहा है हमारा आंसर। तो अब हम मैच करेंगे इस वाले से आरएचएस से। तो देखिए इसमें ए स्क्वायर है, इसमें भी है, इसमें माइनस आठ है लेकिन हमारे आंसर में प्लस का आठ है तो ये इसमें एक गलत है, और इसमें हमारा माइनस छः ए वाला भी पद है इसमें तो है ही नहीं तो ये भी हमारा गलत है इसमें। ठीक है, तो अब हम लिख देंगे जो हमारा आंसर है ये बराबर नहीं है आरएचएस के। तो ये हमें गलती पता चल गया। अब हम सही आंसर यानी कि सही उत्तर लिखेंगे। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, a माइनस चार ए माइनस दो, तो इसके बराबर में यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस का छः ए प्लस आठ। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन कंप्लीट। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ इस वीडियो में। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए हैं। अगर आपको फिर भी कहीं कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।